गाइस, कैसे हो आप सभी। आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का। आज हम आपको अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जहां पर हमारा बचपन बीता हुआ है, बचपन की कुछ यादें हमारी जो है जुड़ी हुई है। गाइस, आज हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे गांव में सड़क पहुंच चुकी है, नहीं तो पहले हम सभी गांव वालों को ना पैदल आना पड़ता था, जो कि यहाँ से 13-14 किलोमीटर नीचे एक स्टेशन है लूना, तो बहुत थकावट होती थी और बहुत मुश्किल होता था यहाँ तक पहुंचना। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में गाड़ियाँ भी पहुंच रही है और काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो हमारा प्राइमरी स्कूल, मैं बचपन में यहाँ इस स्कूल में पढ़ाई करता था और साथ के साथ चारों तरफ पहाड़ों का खूब आनंद लेता था। ज़िंदगी जीने का ही अलग तरीका था उस टाइम के दिन। पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ। चलो गाइस, आप तो हम गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने गांव का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि हमारे पहाड़ों में किस तरह से गाँव दिखता है। हमारे गांव का एंट्रेंस है, साथ में ये मेरा घर है, मेरा स्वीट होम। तो हम आगे आपको गांव को आपको दिखाएंगे कि आगे हमारे गांव पहाड़ों के घर किस तरह से होते हैं। चलते हैं गांव के, मैं एंटर होने से पहले मैं सबसे पहले अपने मंदिर के दर्शन आपको करवाना चाहता हूँ। हमारे ऐतिहासिक मूर्तियाँ जो हमारे यहाँ के लोकल शिल्पकारों ने बनाई हुई है, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया हुआ है जो आप देख सकते हैं, और ये भी हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। गाइस, हम पहुँच चुके हैं जो कि मंदिर को जाते वक्त रास्ते में एक और मंदिर आता है जो कि हमारे जालपा माता का मंदिर है। तो हम ये भी आपको दर्शन करवाना चाहते हैं माता जालपा माई का। गाइस, इसके साथ में एक और मंदिर है छोटा सा, जो कि हमारे गांव के ही थे जिनके नाम पे, जिनकी यादगार में ये मंदिर बनाया हुआ है, और इनके भी हम दर्शन करते हैं जब भी मौका मिलता है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ धाम गोड़ी के मंदिर के उस गेट में जहाँ से पहली पौड़ी स्टार्ट होती है। तो हम चप्पल को यहाँ उतारेंगे और मंदिर के दर्शन के लिए फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने उस मंदिर में जो मैं आपको बता रहा था काफ़ी देर से कि माँ धाम गोड़ी का एक मंदिर है हमारी खुद की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंदिर का जो सबसे पुराना और जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो ये है, जो कि एक पत्थर की, और ये बहुत ही प्रसिद्ध, इसकी मान्यता यहाँ सबसे पहले हुई थी। तो इसके साथ में साथ हमारे गांव के पूर्वज थे गगन दादू, जिनकी पूजा अर्चना भी हम साथ में साथ करते हैं, क्योंकि माता ने कुछ हमारे बुजुर्गों ने बताया कि माता ने इनको अपने पास बुला लिया था कि 24 घंटे माता को धूप पूजा पाठ माता के लिए करते रहें, और इसके कारण और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले इनको इनकी पूजा अर्चना करना पड़ती है, तभी हमारी माता खुश होती है। तो उसके बाद जाके हमें अपनी माता का यहाँ पे पूजा अर्चना करना पड़ता है। गाइस, हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं,
अब माता के आप जो पूरा मंदिर का हमें व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस माता के प्रांगण का, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आनंददायक जगह है जहाँ हमें सुकून की राहत मिलती है। ये देखो माता, मैं इस चबूतर का जो ये बना हुआ है इसका भी रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। तो वहाँ पे सामरनाथ का मंदिर है, जो कि जब हमारे माता यहाँ पे पूजा अर्चना होती है तो उसके बाद यहाँ पे हम अपने सामरावाड़े नाग को की पूजा करते हैं, जो कि आप इसको नज़दीकी से देख सकते हैं, यहाँ हमारे नाग का भी चिन्ह रखा हुआ है। साथ में साथ अब आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ, ये जो वृक्ष है ये वृक्ष देवदियार का वृक्ष है। इस वृक्ष को देखो आप कितने अच्छे तरीके से देख लो, इस वृक्ष को पूजा अर्चना के लिए उपयोग में किया लाया जाता है, पूजा हवन सामग्री वगैरह के पूजा अर्चना करने के उपयोग में लगाया लाया जाता है। और इस मंदिर का एक और रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ से एक ना माता का एक पहाड़ों पे मंदिर है, यहाँ से 28 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और बहुत ही वहाँ पे जन्नत और स्वर्ग है, जो कि वहाँ जाके हमें उन्हीं लोगों को वहाँ मौका मिलता है जिनका माता रानी का हुक्म होता है, और वही लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं। और नंगे पांव की यात्रा भी वहाँ करना पड़ती है, और गर्मियों के टाइम में 2 महीने वो माता का दरबार जो है वो खुलता है हर साल में, साल में सिर्फ 2 महीने वो दरबार खुलता है। तो अगर आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो अगले साल नेक्स्ट टाइम मैं आपको वहाँ के दर्शन भी जरूर करवाऊँगा। तो गाइस अब मैं आपको अपने गांव के दृश्य दिखाना चाहता हूँ। इस माता के चरणों में मेरा गांव ये बसा हुआ है, वो नीचे देखो मेरा गांव जिसमें हमने बचपन अपना बिताया हुआ है, और हम यहीं पे पले बड़े हैं और यहीं से हम अपने कामकाज के लिए निकले हैं। तो ये देख सकते हैं आप पूरा यहाँ माता के चरणों में हमारा गाँव बसा हुआ है। हम फाइनली अपने गांव की तरफ बढ़ चुके हैं और अपने गांव की एंट्री भी हम जा रहे हैं। ये देखो हमारे अखरोट के बूटे हैं, ये यहाँ पे अखरोट भी बहुत अच्छी पैदावार होती है। ये देखो हमारे चंपा, हमारे गांव के घर जो बर्फ पड़ती है तो इस तरीके से बनाए होते हैं ताकि हमें बर्फ में घरों के ऊपर कोई नुकसान ना हो। ये गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारा मंदिर था ऊपर धाम गोड़ी माता का मंदिर, एक जन्माष्टमी के उपलक्ष पे यहाँ पे इस प्रांगण में उनका एक बहुत बड़ा जागरण होता है, तो माता को नीचे लेके आते हैं उनके चिन्ह को और यहाँ पे जागरण करवाते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। कैसा लगा आपको हमारा ये गांव? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।